खरीदेंगे एक दिन, अभी तो नहीं खरीद पाएंगे। अरे भाई क्या बोल रहे भाई। वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो भाई आज मेरे को वैसे तो ऑफिस जाना था, क्योंकि लेदर बॉल के क्या है ना, आज ट्रायल है अपने ऑफिस में भाई। प्रॉपर एक लीग होती है लेदर बॉल की, तो उसके ट्रायल थे, मैं ट्रायल देने जाना था टीम में ऐड होने के लिए। लेकिन गाइस हम आ गए कहाँ पे, प्रगति मैदान में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के भाई VIP पासेस। ये मेरे साथ दो लोंडे हो रहे हैं और हमको अभी भाई हमको जाना गेट नंबर 4 और 10 से एंट्री हमारी, तो जो भी गेट पहले पड़ जाएगा उससे रहेंगे। अभी हमने कहा ना, दोस्त लोग जो एक दो बार जिसने हमको ये पास प्रोवाइड करवाया, वो पहले भी मतलब यहाँ पे घूम चुका है, तो उसने हमको कुछ हिंट दिया है कि यहाँ पे ना क्या है कि भाई एक से एक कार, फरारी वगैरह, वो सब टाटा के नए नए बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह, तो मतलब भाई और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब नई नई इन्वेंशन जो भी है तो वो देखने को मिलेगी, तो भाई नॉलेज मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे आए। भाई भाई ये पता नहीं क्या है, लेकिन इस पर भाई काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, पता नहीं, देखो भाई पढ़ पढ़ के समझ में आ रहे तो क्या लिखा हुआ है। पीस पीपल, और क्या है, सिक्योरिटी, सेक्युलर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है भाई, देखो पढ़ते रहो भाई क्या क्या है। भाई अभी अपन लोग फाइनली हॉल के अंदर एंटर हो गए यहाँ पे, और भाई यहाँ पे तगड़ी तगड़ी कार दिखनी स्टार्ट हो गई है। कौन सी भाई वाली? मर्सिडीज। ये वाला अभी जो जिस हम सेक्शन में, इससे ये वाला सेक्शन ना स्पेयर पार्ट्स का ज़्यादा है, तो यहाँ पे चारों तरफ हमको अलग अलग स्पेयर पार्ट्स ही दिख रहे हैं। इस पर हमको ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाएंगे इन लोगों से, क्योंकि हमी को आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या क्या चीज़ है। इसको देखो भाई क्या एकदम बीच में से शार्प काट हुई है इसके ऊपर की बॉडी, सारा अंदर का दिखाया हुआ है। कौन सा मॉडल है? इंजन को भी काट रखा है भाई। आप यहाँ पे DTS लिखा होता है, इन्होंने स्पार्क मंडल लिखा है, ये स्पार्क मंडल की इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग बनाते हैं। ओके अभी भाई माल पे, अभी हम जा रहे हैं पूरे जहाँ पे हमको मिलेगा सब रशियन माल, इटालियन माल, सारा माल भाई, गाड़ी होगा भाई एक से एक, फरारी वगैरह सब उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे बताई गई है, लेट्स सी। अच्छा और ऊपर जाना है अभी, फाइनली उस वाले हॉल में आ गए भाई, जो मोटिवेशन थी यहाँ पे आने की, सारी स्पोर्ट्स कार। सबसे सेक्सी लग रही है ये वाली भाई, ये वाली, जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाय 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 हाय, ऑरेंज चला एक दिन आया भाई, सही सेक्सी भाई सेक्सी। और देखो कितने लोग हैं, कितने की है इसमें जाएगी भाई, हमारी उम्र भर की कमाई जाएगी। 4-5 करोड़, ज्यादा नहीं होगी भाई, 4-5। दो उम्र लगेंगी यहां, रिपोर्ट जो 3 से शुरुआती होती है, 7 करोड़ की मैक्सिमम है। हां तो नहीं भाई, मैक्स तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम की बात करो, मिनिमम 3 करोड़ के आसपास। अब देखो भाई फ्रंट से भाई क्या ही सेक्सी लग रही है ना, अंदर नहीं जाने दे रहे क्या ये लोग यार। इन्होंने भाई मेरे को अंदर आके बैठना था, लेकिन अभी एंट्री इन्होंने बंद कर रखी है अंदर। अंकल मैं साफ कर दोगे अंदर आके? मैं साफ करोगे अंदर आके? खरीदनी नहीं है, साफ करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। खरीदेंगे एक दिन, अभी तो नहीं खरीद पाएंगे। अरे भाई क्या बोल रहे भाई। तो हेयर वी हैव सेकंड कार, प्राइस देखो कितना है प्राइस इसका, ये है 18 लाख, 18 करोड़ 21, नहीं भाई 1 करोड़ 1 करोड़ 82 लाख, 1 करोड़ 82 लाख 13 हज़ार। चलो ये उससे सस्ती लग रही है, पर सैक से ये भी है पूरी। चले भाई अगली पे चले। यहाँ भाई होंडा वगैरह तो यहाँ पे बेचती है भाई, खड़ी हो रही है। ओके ओडी, ओडी नीले में इतनी सेक्सी नहीं लग रही है, ओडी वाइट में अच्छी लगती है ना, ये इलेक्ट्रिक है क्या? हाँ इलेक्ट्रिक है भाई। ओके ये पता नहीं मैंने किसी ब्लॉगर के उस पर देखा था, उसने ऐसे ऊपर लगा रखा था टेंट, ये कहीं भी टूर वगैरह पे जाओ और ऊपर ही अपनी गाड़ी के ऊपर ही टेंट करके सो जाओ, ऊपर ही सो रहा, दो लोगों आराम से सोएंगे भाई। मर्सिडीज की सबसे तगड़ा वाला मॉडल है ये वाला है, हालांकि थार से भी थोड़ा बेकार दिखता है, लेकिन इसकी कीमत भाई करोड़ों में।
वो वाली फिर भी सेक्सी लगी। देख रहे भाई लड़कों को नहीं जाने दे रहे, तो लड़की भाई फोटो खिंचवा रही है, लोंडे पिघल गए अपने, हराम ही लड़के। वी हैव रोबोट, बोलता भी है क्या? हेलो, इग्नोर कर रहा भाई, इग्नोर करके जा रहे भाई। स्कूटर उठाते चल दिया था, टीचिंग ली नहीं पहले। ओके ओनली ब्रेक एंड एक्सीलेटर मैं चलाऊंगा ले भाई, मैं चलाऊंगा, मैं ट्राई मैं करूंगा। कैन आई ट्राई? हल्का सा ये है ना एक्सीलेटर खाली। नो भाई चल तो रहा भाई, अच्छा था है पर भाई स्टेबलिंग में थोड़ा सा। तो भाई अंदर ना इन्होंने जो भी हर कार वार वाले और भाई सबने कम से कम 3-4 लड़कियों को बैठा रखा भाई अंदर, और मेकअप करा के, अरे मस्त मस्त मेकअप, कल कम से कम 1000 रुपये वाला। तो भाई हम यही अभी दिल नहीं आ गया भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको सैलरी और मेकअप का अलग से मिलता है या क्या, मतलब सैलरी में तो भाई मेकअप नहीं हो पाएगा डेली सैलरी बेसिस पे। मेकअप के लिए अलग से पैसे देते हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि 1000 रुपये में भी उनको ऊपर से मेकअप का मिलता है भाई, ज़्यादा मिलता है। सामने वाले वहाँ पे गोल गोल दिख रहा है ना भाई, वहीं पे अभी जो G20 हुआ था 20 देशों का, वो वहीं पे बैठ गया था। वहाँ पे अभी शायद एंट्री बंद है अभी के लिए, पर वहाँ पे भाई पूरा सिटिंग वगैरह का है, अच्छा है वहाँ से व्यू। अभी आए भाई अपनी हम औकात वाली जगह पे, बाइक्स वगैरह वाली पे, तो यहाँ पे भाई नए नए मॉडल्स अभी लॉन्च हुए हैं, बाइक के दिख जाएंगे यहाँ पे। या वो भी हो गए 72 लाख वाली जो होती है S2R, पहली बात तो बैन इंडिया में यहाँ होएगी नहीं, उसके छोटा भाई होगा ना, छोटा भाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलाना बैन है उसे, रखना नहीं है। नितिन गडकरी जो बोल रहा था ना इथेनॉल पे चलने वाली कार्स गाड़ियां वगैरह बनाएंगे, तो टीवीएस ने शायद उसका ये बना भी दिया है भाई, कुछ टेस्टिंग में चल रहा भाई ये टेस्टिंग पे। ये है इस ऑक्शन की जान, स्प्लेंडर आने वाला मॉडल है, स्प्लेंडर प्लस। देख रहा है भाई ये भी स्टैंड कर रहे हैं, इतना बिकाऊ मॉडल है ना ये। ये गाड़ी देखो भाई कौन सी है, कुछ अलग ही कंपनी है भाई, हीरो की है भाई, करिश्मा है। क्या मॉडल आना है भाई, बड़ा तगड़ा है, सब कुछ पर भारी भार दिख रहा है ना, देख रहे हैं। और इन्होंने डिस्क कितने बड़े बड़े कर दिए, चैन भी एकदम खुली दिख रही है, इन्होंने खोल के रखा हुई है क्या पूरी, ऐसी ऐसी देंगे घर के लिए, ये पूरी एकदम खुली खुली सी लग रही है गाड़ी। और ये क्या ऊपर डिस्क का तेल भी ऐसे दे रखा है, इन्होंने देख के ऐसा लग रहा है पूरा भाई खुली हुई है पूरी गाड़ी, बाहर ही है सब कुछ, पैक है ही नहीं कुछ। अपन लोग घूम घूम के थक गए काफ़ी भाई, बड़ा है पूरा एक दिन में घूमना काफ़ी मुश्किल वाली बात है, तभी इसलिए तीन दिन के लिए लगता है कि थोड़े थोड़े आके घूम के चले जाओ भाई। अभी हम कम से कम कितने 6-7 होल घूम लिए, अभी 14 तो हमको दिखे हैं, उससे ऊपर है कि नहीं पता नहीं, अभी जितने घूमे रहेंगे भाई घूमेंगे। गेयर बड़े इतना हार्ड क्यों है, बैग लेना पड़ेगा क्या? रिवर्स ले जाओ भाई, पहले गियर में चलाते रहा, गियर डालेगा ठुक जाएगा। अभी मत मोड़, हल्का मोड़ कर स्पीड दे दे दे, लेफ्ट ले लेफ्ट ले, पूरा पूरा लेफ्ट भाई, तू क्यों चला, अब उसे चलाने दे, अगर ठुक जाती चला चला चला, ए ठुकी 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 घुमा दे,
भाई रियल से बिल्कुल अजीब है, मतलब रियल तो मैं सच ही चला लगा भाई, ये हार्ड है रियल है, FPS भी कम है इसमें, भले स्क्रीन तो सही है लेकिन भाई जो कंट्रोल है ना तुम्हारा स्टेयरिंग का गियर वगैरह वाला बिल्कुल अजीब है भाई, मैं रियल अच्छी चला लेता इससे। यस चल गया था ये देखो भाई स्विफ्ट की, भाई स्विफ्ट की क्या बेइज्जती कर रखी है भाई, इस पर लिखा हुआ है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इसलिए तोड़ कर रख रखा है। नहीं तो भाई नई वाली तोड़ो ना, नई वाली तोड़ के दिखो भाई। हमारे पास पास तो है यहाँ पे फ्री में कार्टिंग करने के लिए, लेकिन हमारे जैसे पास भाई काफ़ी लोगों के पास है, उधर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, तो कम से कम जब तक 5-6 बार ये इधर या इन्होंने 7-8 गाड़ियाँ ले रखी है, जब तक 5-6 बार नहीं करेंगे तब तक नंबर नहीं आएगा, तो बस एक बार भाई इन्हीं की देख के चलते हैं, क्योंकि अपना नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, बहुत लंबी लाइन है, 2-3 घंटे रुकना पड़ेगा भाई। ये निकल ली गाड़ी, निकल ली हमारे मतलब कि कार और बाइक वगैरह तो हमने भाई देख ली, उन्हीं हॉल में थी, बाकी और सारे हॉल में हम जितने भी जा रहे हैं ना सब में ही स्पेयर पार्ट्स वगैरह वही सब लाइटिंग वगैरह है, छोटे छोटे पार्ट्स जो देख के समझ में भी नहीं आ रहे क्या है, तो हमने वो लगभग सारे हॉल घूमने, लगभग कुछ 2-4 हॉल लगे होंगे तभी क्या, लेकिन हम घूम गए बुरी तरह से, अब थक गए। मैंने वीडियो बनाई जिसमें एक लड़की भी दिखाई थी। अच्छा हाँ वो लड़की भी दिखानी है आपको, मेरे इसमें बनाई क्या? नहीं असली कंपैरिजन दिखाएंगे, मेरे में है ना कंपैरिजन दिखाएंगे कि किया को उसकी जरूरत पड़ी लेकिन लैम्बोर्गिनी को लड़की की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ भाई ये एक चीज थी कि क्या है ना जो किया वाली गाड़ी थी उन्होंने मॉडल खड़ी कर रखी थी गाड़ी के पास कि लोग गाड़ियों को आके वो देखे, लेकिन लैम्बोर्गिनी वो भाई बिल्कुल एक प्लेन खड़ी थी, अगर लैम्बोर्गिनी पे कोई लड़की खड़ी हुई होती तो लोंडे क्या कहते साइड हट गाड़ी देख रहे थे भाई, तो ये भाई लैम्बोर्गिनी वाला क्या सेक्सी गाड़ी थी। तो बस इसी के साथ भाई करते हैं इस व्लॉग का एंड, पोस्टर घर पे जाके आराम करते हैं, तो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।